तो आपका भी 200 वीडियो अपलोड हो गया, जैसे कि मेरा चैनल पे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा चैनल पे 200 वीडियो अपलोड हो गया, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 200 वीडियो अपलोड हो गया और 1K सब्सक्राइबर मेरा चैनल पे नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसके क्या रीजन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में थोड़ा हम मोटिवेशन टाइप का इस वीडियो में बताएंगे। तो हम भी कैसे मोटिवेट होंगे और आप भी कैसे मोटिवेट होंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सब्सक्राइब देख लीजिए मेरा यहाँ पे कितना है, देखने के बाद आपको लगता होगा कि मेरा 200 वीडियो अपलोड कर दिया और 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अजित कुमार यादव और मेरा चैनल में स्वागत है। अगर मेरा चैनल पर पहली बार आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या समस्या है, क्यों नहीं मेरा चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं और नई व्यू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। 200 वीडियो आप लोग देख ली कि मेरा चैनल पे 200 वीडियो अपलोड हो गए हैं और नहीं तो अजित 99 अगर सर्च करते हैं ऊपर में तो मेरा 200 वीडियो अपलोड हो चुका है मेरा चैनल पे, फिर भी मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, इसका मोटिवेशन यह है कि हम तो सोचे कि वीडियो अपलोड करते रहेंगे लेकिन फिर भी करने से क्या फायदा, अगर सब्सक्राइबर ना आए, व्यू ना आए, क्यों नहीं आए, क्या कारण है इसमें, बहुत कुछ कारण है। पहले मेरे जब लगभग 200 सब्सक्राइबर था मेरा चैनल पे तो 100-150 व्यू आ जाते थे, फिर मैंने एक कुछ गलती कर दिया। गलती करने का रीजन यह था कि हैशटैग 5 से 7 लगाना चाहिए या तो 5 से 8 तक लगाना चाहिए, तो हम हैशटैग क्या किए, हैशटैग लगा लिए। हैशटैग लगाने के बाद हम एकदम 21 से 22 हैशटैग लगा दिए अपना चैनल पे, उसी दिन से उस वीडियो में व्यू आए 149 या 150 था, ऐसे लगभग कुछ था, उसमें व्यू आए। फिर भी उसी दिन से जो व्यू मेरा गायब हो गए, उस दिन से 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 60, 50 इससे ज्यादा मेरा चैनल पे व्यू नहीं आने लगा मेरे वीडियो पे। यह है रीजन, आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा ताकि आपका भी चैनल पे व्यू नहीं आएंगे एंड सब्सक्राइबर भी नहीं आए। और वीडियो क्वालिटी जो है सो तो है ही है, तो आप लोग को थोड़ा दिखा देते हैं कि वीडियो हम कैसे बनाते हैं और कैसे अपना रीच को कंटेंट करते हैं, क्या मेरा जो पीछे का एक बैकग्राउंड है ये कैसे हम क्या किए हैं। तो इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ पे आई बटन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। थोड़ा हम कैमरा मोबाइल को खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे खोल लिए, खोलने के बाद तो थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मोबाइल रख देते हैं, उसके बाद आप पीछे चले जाओ और पीछे चले जाओ, तो ये मेरा घर हो गया। यहाँ पे इस तरह का एक पर्दा जो देख रहे हैं, एक ग्रीन टाइप का है अपना, ये हाथ से अपने से बनाए हैं। इसको बनाने के बाद यहाँ से पूरा बनाने के बाद पूरा लाइट भी लगा दिया, लगाने के बाद यहाँ पे अपना टेबल रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्राइपॉड रखते हैं, वीडियो बनाने के यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। लाओ इसको मेहंदी लाओ, तो इस तरह का वीडियो अपना बना लेते हैं। बनाने का रीजन यही है था कि इसमें लगाओ, तो मकसद मेरा यही है कि YouTube पे सक्सेसफुल अगर होना है तो वीडियो को कंटिन्यू अपना चैनल पे अपलोड करते रहिए। तो सॉरी, एक दिन पहले मेरा वीडियो नहीं आया था, इसके लिए सॉरी। तो हम रेगुलर वीडियो 7 बजे अपलोड करते हैं, रेगुलर वीडियो 7 बजे मेरा ऑटोमेटिक 7 बजे हम रखते हैं, उसके बाद मेरा वीडियो अपलोड होते रहते हैं। कुछ से टॉपिक हम कहीं से ढूंढ के लाते हैं और अपना चैनल पे अपलोड करते हैं, भले वीडियो में व्यू आए या ना आए लेकिन अपना चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग को हम यही सलाह देते हैं, जैसे कि मेरा चैनल छोटा है अभी और 200 वीडियो अपलोड कर दिया तो पर भी व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम सोचे कि नहीं हमको वीडियो अपलोड करना है तो करना है, कभी तो वायरल होगा मेरा वीडियो। तो आप लोग भी क्या कीजिए, आप लोग का भी चैनल पे अगर व्यू नहीं आ रहा है तो 1, 2, 4, 5 वीडियो अगर अपलोड करके छोड़ दें कि मेरा चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं और नहीं कुछ हो रहा है, तो आप लोग को भी वीडियो अपलोड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे अगर सक्सेसफुल रहना है तो, क्योंकि पहले तो अगर नया नया ट्रिक लगाइएगा बहुत सारा आपको वेबसाइट मिल जाएगा व्यू लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए, लेकिन बाद में वो सब्सक्राइबर और व्यू कोई काम का नहीं आएगा। इसलिए आपको बोलते हैं कि अगर YouTube पे लॉन्ग टाइम तक रहना है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहना है, कुछ नया सीखें, ऐसा करके बनाइए कुछ नया सीखे एकदम बेहतरीन लगे। जैसे कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी लाता हूँ अपने मन से अपने इच्छा के अनुसार ठीक ही लाता हूँ, तो आप लोग भी इस तरह कोशिश कीजिए कि अपना वीडियो बनाने का।
तो आपको हम बता देते हैं कि आपको अपना चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना चाहिए, व्यू आए या ना आए। ये इस वीडियो में यही मोटिवेशन मिलता है कि मेरा चैनल को आपको अगर देख के कुछ सीखे हैं तो आप लोग भी अपना चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहिए। इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स भी, और कुछ कमाने का भी मौका मिलता है। कुछ नए नए एप्लीकेशन कुछ ऑफर आते हैं तो उसके बारे में हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दौड़ के, एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो तब तक क्या कीजिए, दोनों वीडियो में से किसी में एक पे क्लिक कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय दोस्तों, टेक केयर।